बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। बच्चे, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, और जो आपके सिलेबस में कुछ चेंजेस आए हैं यानी कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके वो टॉपिक मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में नए ऐड हुए हैं। तो आज मैं सबसे पहला टॉपिक आपको करा रहा हूँ, अरब स्प्रिंग। ठीक है, ये जो अरब स्प्रिंग है ये वैसे तो एक या दो वीडियो में हो जाने वाला टॉपिक है, बट मैं आपको बहुत ज्यादा डीपली कराने वाला हूँ, इसलिए ये एक से ज्यादा वीडियो में बनने वाला है। ठीक है, तो आपको सारी वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है और आपको गारंटेड कह रहा हूँ कि ये याद हो जाएगा। अगर आप वीडियो को देख लेते हैं, आपको कभी बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्ट वन है ये इस वीडियो का, और अरब विद्रोह इसको हिंदी में कहा जाता है, इसको अरब क्रांति भी कहा जाता है, कई जगह पे इसको अरब जागृति के नाम से भी आपको मिलेगा। ठीक है, अरब स्प्रिंग सॉरी अरब वसंत के नाम से भी आपको मिलेगा, अलग अलग नाम से ये टॉपिक आपको मिल सकता है, बट टॉपिक सेम है बट नाम इसके बहुत सारे हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर ये जो कहानी है ये शुरू कहाँ से हुई। अरब विद्रोह जो है बहुत ही आज के समय का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अच्छा टॉपिक है, आपके सिलेबस में ऐड हो गया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ, इसमें आप ये जो देख रहे हैं ये अफ्रीका महाद्वीप में ऊपर का हिस्सा है, यानी कि उत्तरी अफ्रीका वाला हिस्सा है, या फिर आप इसको मध्य एशिया पश्चिम एशिया की नजरिए से भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ये वाला हिस्सा भी हम देखेंगे जो कि अरेबियन है, यानी कि जो अरब देशों का है, जैसे सीरिया, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया। ठीक है, यहाँ पे ओमान, बहरीन वगैरह, ये जो आप देखते हैं कुवैत, ये सब आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आखिर मैं आपको ये मैप दिखा क्यों रहा हूँ, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो आंदोलन था ये शुरू तो हुआ था एक अफ्रीकी देश से, लेकिन बाद में ये अरब कंट्रीज की तरफ चला गया और कई देशों में ये फैल गया। आखिर ये क्या है और क्यों फैल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आपके लिए वो देश मेंशन कर दिया है, आपको क्लियर दिख रहा होगा, ट्यूनेशिया नाम का एक देश है, यहां से ये शुरुआत हुई थी इसकी अरब स्प्रिंग की। अगर हम शुरुआत माने तो ये यहीं से शुरू हुआ था, ट्यूनेशिया से, लेकिन बाद में कैसे फैला ये सब आपको धीरे 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 आगे के पार्ट्स में पता लगता जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, ये जो ट्यूनेशिया था यहाँ पे एक बहुत भयंकर विद्रोह हुआ, लोगों ने क्या करा, वहां के शासन के खिलाफ आंदोलन कर दिया, प्रोटेस्ट किया, हड़तालें हुई, लोग सड़कों पे आ गए, जाम लगा, यहाँ तक कि वहां जो शासन था वो तानाशाह था, उस तानाशाह ने आदेश दिए कि इन लोगों को गोली मार दी जाए। वहां से उनकी पुलिस आई, उन्होंने इनको गोली मार दी। ठीक है, उन्होंने ये सोचा कि आंदोलन दब जाएगा, लेकिन आंदोलन दबा नहीं। तो अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाएगा कि आखिर ये लोग सड़क पे आए क्यों थे, सड़कों पे ये लोग क्यों आ गए, क्या कारण था इनके सड़कों पे आने का। तो इसके पीछे एक आम आदमी की कहानी है। वो आम आदमी क्या था, एक आम आदमी था जिसका नाम था मोहम्मद बाऊजी जी। ठीक है, नाम थोड़ा आपको याद रखने में मुश्किल हो सकती है, बाऊजी जी नाम था उनका, मोहम्मद बाऊजी जी। ये उनकी तस्वीर नहीं है कहीं, आप सोचो ये तस्वीर किसी और की है, बट मैंने आपके यहाँ पे रख रखी है। ये जो व्यक्ति था मोहम्मद बाऊजी जी, ये एक बहुत ही सिंपल आदमी था, और ये फल बेचता था। ठीक है, फल बेचने का काम करता था, गरीब आदमी था, बहुत ही संघर्ष वाली जिंदगी थी इसकी। तो अब आप ये सोचोगे कि एक फल बेचने वाला मामूली सा इंसान, आखिर इसने ऐसा क्या कर दिया जो इसके लिए लोग सड़कों पे आ गए, लोगों ने गोलियां खा ली, और केवल ट्यूनेशिया ही नहीं बल्कि दूसरे दुनिया के दूसरे देशों में, और अरेबियन जो कंट्रीज है या फिर जिसको खाड़ी देश भी कहते हैं, उन देशों में भी आंदोलन फैल गया। आखिर क्या कहानी है इस आम आदमी की जो कि फल विक्रेता था, इसे आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए, एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद बाऊजी जी। ठीक है, मोहम्मद बाऊजी जी नाम का एक व्यक्ति था। जब मोहम्मद बाऊजी जी एक गरीब परिवार से थे, यानी कि ये जो मोहम्मद बाऊजी जी थे ये एक गरीब परिवार से थे, इनका जन्म जो था वो 29 मार्च 1984 को ट्यूनेशिया में हुआ था। ट्यूनेशिया ये वही देश है अफ्रीका में जो मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था। ठीक है, ट्यूनेशिया जो है अफ्रीका महाद्वीप में छोटा सा देश है। यह जब 3 साल के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। ये जो बच्चा है या फिर ये जो व्यक्ति है मोहम्मद बाऊजी जी, जब ये केवल 3 साल के थे उसी समय इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। अब भाई, पिताजी की मृत्यु हो गई तो कहीं ना कहीं जो परिवार का जो प्रेशर था वो इन पे आ चुका था। इन्होंने क्या करा, अपना जीवन जो है कठोर परिश्रम, अपने जीवन में कठोर परिश्रम किया, खूब हार्ड वर्क किया, फल बेचते थे क्योंकि रोजी रोटी चलानी जरूरी थी,
तो रोजी रोटी चलाने के लिए ये फल बेचते थे 10 साल की उम्र में। अब आप सोचोगे 10 साल की उम्र तो एक छोटा बच्चा होता है 10 साल की उम्र का, तो 10 साल की आयु में ही इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था क्योंकि परिवार को पालना भी जरूरी था। पिता थे नहीं और समस्या इतनी सारी थी, परिवार की जिम्मेदारी थी, इनकी बहनें वगैरह भी थी, इनके उनकी भी पढ़ाई वगैरह का ध्यान रखना था, तो बहुत मतलब कहीं ना कहीं संघर्ष वाली जिंदगी थी इनकी। इन्होंने क्या करा, वहां जो टाउन हॉल है उसके पास एक दुकान चाहते थे ये कि मुझे एक दुकान मिल जाए, वहां पे मैं अपना काम करूं, क्योंकि गली गली घूमकर फल बेच दिया करते थे, बट एक दुकान की मतलब चाहत थी इनको। अब इन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई करा, पर ये वो देश है जहां पे तानाशाही है, लोकतंत्र नहीं है, आपको याद रखना है, तानाशाह देश है। आवेदन कर दिया लेकिन इनको अनुमति नहीं मिली, यानी इनका जो आवेदन था लाइसेंस जो फल विक्रेता के लिए, जो दुकान स्टोर वगैरह जो भी चाहिए था इनको, इनको परमिशन मिली ही नहीं। अब समस्या ये थी भाई क्या करें। एक दिन क्या हुआ, 17 दिसंबर की बात है, 17 दिसंबर को जब ये अपना फल बेचने के लिए उसी स्थान पे पहुंचे जहां पे ये फल बेचते थे, मतलब एक कोई स्थान होता है ना जहां पे ये अपने रेहड़ी वगैरह लगा के अपने फल बेचते हैं, तो ये उस जगह पे गए। इनको नहीं पता था भाई कि आज क्या होने वाला है, वो दिन जो था इनके लिए बहुत बुरा दिन था। ये वहां गए जिस स्थान पे फल बेचते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि कोई और व्यक्ति है उस स्थान को घेरे हुए, वहां पे वो अपना सामान बेच रहा है। अब इनको ये लगा कि भाई ये कैसे हो गया, यहाँ तो मैं फल बेचता हूँ, इतने समय से बेचता हूँ, और ये मेरी जगह पे इसने कब्जा कैसे कर लिया। तो इन्होंने वहां की जो अथॉरिटी होगी पुलिस वगैरह उनसे बात करने की कोशिश की, क्योंकि लाइसेंस के लिए पहले से ही अप्लाई हो रखा था इनका, तो इन्होंने पुलिस से बात करने का प्रयास किया। लेकिन वहां की जो पुलिस थी उन्होंने क्या करा, इनके साथ बुरा बर्ताव करा, इनके जो फल वगैरह थे वो भी छीन लिया, सामान भी छीन लिया, और इनको मारा धमकाया और भगा दिया। इनकी खूब इंसल्ट हो गई, बेइज्जती हो गई, और पुलिस के द्वारा जो गलत बर्ताव हुआ था वो इनको मतलब बहुत बुरा लगा, क्योंकि पुलिस ने इनको मारा भी था। वहां पर तानाशाही सरकार थी, ऐसा भी नहीं था कि पुलिस की जाके कंप्लेन कर दें, क्योंकि भाई पुलिस भी वही, सरकार भी वही, सब कुछ वही है। तो ध्यान रखिए ये जिस जगह की बात है वहां पे लोकतंत्र नहीं था, बहुत बुरा शासन था, इनके साथ बहुत गलत हुआ। अब ये घटना जो है आपको बिल्कुल दिमाग में आपके बैठ जानी चाहिए। इसके बाद उन्हें बहुत धक्का लगा, मन बहुत उदास हुआ, बहुत दुखी हुए, बहुत रोए, बहुत ही परेशान हुए। तो ये जो था ये बहुत परेशान हो गए। इसके बाद इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया अपने वहां के शासन पे और वहां के मतलब सिस्टम पे। इन्हें ये लगा कि भाई मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, अपने परिवार के लिए और अपनी रोजी रोटी के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, और यहाँ की जो सत्ता है, यहाँ का जो शासन है और यहाँ के जो सिस्टम है, यहाँ की जो अथॉरिटी है, मेरे साथ बुरा बर्ताव हुआ जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। इन्होंने गुस्से में आके अपने ऊपर कैरोसिन छिड़क लिया, ठीक है, छिड़का, और खुद को आग लगा ली। आग लगाकर इन्होंने आत्मदाह कर लिया। और ये कहाँ पे करा, इन्होंने उसी टाउन हॉल के बाहर जहां पे इनके साथ वो गलत हुआ था, जहां ये अपनी दुकान चाहते थे। भाई लोगों ने देखा, भीड़ लगी, इनको बचाने का प्रयास हुआ, लेकिन इनका शरीर जो था काफी ज्यादा जल चुका था, ठीक है, हॉस्पिटलाइज जो भी करना था इनको कर दिया गया। लेकिन ये उस आम व्यक्ति के साथ जो हुआ था, यही एक चिंगारी जो थी, इसने बहुत बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। कैसे, वो छोटी सी घटना क्या, वो किसी की जिंदगी चली गई तो वो एक बड़ी ही घटना होगी, लेकिन उस सिस्टम के लिए वो छोटी सी घटना थी। क्यों, क्योंकि वहां पे तानाशाही थी और ऐसी चीजें वहां पे होना कोई बड़ी बात नहीं है, जहां पे तानाशाही होती है वहां पे ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं। इनको बचाने का प्रयास किया गया पर बचा नहीं पाए। इनके चचेरे भाई अली जो थे वो घटना पे पहुंच गए पर बाद में पहुंचे, उन्होंने क्या करा उसका वीडियो बना लिया। अब वहां पे देखिए क्या होता था कि वहां पे जैसे हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, मीडिया वगैरह जो है, वहां पे ऐसा नहीं होता था। जो मेन स्ट्रीम मीडिया होती थी वहां की, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो कभी भी सरकार के खिलाफ कोई घटना नहीं दिखा सकती, कभी भी पुलिस के खिलाफ कोई घटना नहीं दिखा सकती। क्यों, क्योंकि वहां पे जो था तानाशाही शासन था, लोकतंत्र नहीं था। लेकिन उस समय यहाँ पे आ चुका था फेसबुक। अब फेसबुक आ चुका था, फेसबुक आप जानते हैं एक सोशल मीडिया है, दुनिया में लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। तो उनके भाई ने इस घटना का वीडियो बना लिया और इस घटना की वीडियो और फोटो फेसबुक के जरिए सोशल मीडिया पर डाल दी गई, जो कि बहुत जल्दी ही वायरल हो गई। दुनिया भर के लोगों ने इस घटना को देख लिया कि किस प्रकार से एक व्यक्ति है जिसने अपने आप को जला लिया है, और फिर सबके अंदर उत्सुकता हो गई कि आखिर इसकी कहानी क्या है,
इसने अपने आप को क्यों जलाया। तब सबको पता लगा भाई पूरा, मतलब कि वो एक फल विक्रेता था, अपने परिवार के लिए ऐसे मेहनत करता था और मतलब ये सब उसके साथ हुआ। अथॉरिटी ने उसके साथ गलत किया, वहाँ के शासन ने उसके साथ गलत किया और वहाँ पे सभी को पता है ट्यूनीशिया वगैरह में ऐसा ही होता था। तो लोग बहुत ज्यादा दुखी हुए और ये जो चीजें थी बहुत ज्यादा फैल गई। अब ट्यूनीशिया में तानाशाह सरकार थी, वहां की मीडिया जो थी सरकार के खिलाफ तो कुछ दिखा नहीं सकती थी, वहां पे लोगों के साथ ऐसे ही अत्याचार होते थे। यहाँ लोगों को इंसाफ नहीं मिलता था कभी भी, ना वो पुलिस के पास जा सकता है ना वो कोर्ट के पास जा सकता है, क्योंकि सब तानाशाही है, ठीक है। लेकिन इस घटना ने यहाँ पे क्रांति ला दी। जब फोटो वायरल हुई तो लोग बहुत ज्यादा मतलब विभिन्न दुनिया के विभिन्न देशों में वायरल हो चुकी थी और ट्यूनेशिया के लोग तो बहुत ज्यादा मतलब इस चीज से गुस्से में आ चुके थे, क्योंकि उनके साथ ये चीजें होती रहती थी। वहां पे लोगों ने सोचा कि भाई कब तक सहेंगे हम इन चीजों को, लोगों ने सोचा कि अब हम मिलकर करते हैं इस चीज का विरोध। 4 जनवरी 2011 को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, आग लगा ली थी, उसके कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हो गए। यहाँ के राष्ट्रपति जो थे उनका नाम था जिन एल अबिडाइन बैन अली, इतना बड़ा नाम था लेकिन हम इसको लास्ट वाला बैन अली नाम से पढ़ेंगे। अब ये जो शासन था, इनका शासन 1987 से चल रहा था। अब सोचो ये घटना है 2011 की, सॉरी 11 की, ठीक है, और शासन चला रहे थे 1987 से, तो लगभग 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 24 साल का इनका शासन हो चुका था। अब आप सोचो एक व्यक्ति का शासन, वो भी 24 साल का, तो ऐसा पॉसिबल वही हो सकता है जहां पे तानाशाही हो। अब भाई उनकी सरकार थी और उनकी सरकार के शासनकाल में ऐसा हो गया था। लोग जो थे इस घटना को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि सरकार बहुत बेकार थी, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था, करप्शन तो इतना ज्यादा था, लोग वैसे ही परेशान थे। अब ये जो मोहम्मद बाउजी जी जो थे, इनकी मृत्यु के बाद ट्यूनेशिया में लोगों ने भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर विरोध प्रदर्शन होता था तो सरकार बहुत गलत तरीके से पेश आती थी इनके साथ। याद रखें ये कोई लोकतंत्र नहीं है जो वहां पे इनको आजादी है कि तुम सरकार का विरोध कर दो, लेकिन इन लोगों ने क्या करा, सरकार का विरोध करा। वहां की सरकार ने उनके विरोध को दबाने के लिए उन पर गोली चलाने के आदेश दे दिए। अब भाई गोलियां चलवा दी गई, लोग कई सारे मर गए। उन्होंने सोचा कि गोली चला देंगे, 2-4 लोग मर जाएंगे, 8-10 लोग मर जाएंगे, 20-30 लोग मर जाएंगे और आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये उनकी भूल थी। लोगों के मन में जो गुस्सा था वो डरे नहीं, कई लोग मरे, आंदोलन चला। वहां के राष्ट्रपति ने सोचा था भाई डरा के प्रदर्शन समाप्त हो जाएगा, पर ऐसा कर नहीं पाए। वहां के लोगों ने प्रदर्शन को रोका नहीं, रोजाना प्रदर्शन होने लगा, लोगों की संख्या जो थी रोज बढ़ने लगी, लोगों ने हड़ताल शुरू कर दी, वहां के कर्मचारियों ने काम करना बंद कर दिया, वहां की जनता जो थी अपने रोजगार पे जाना बंद कर दिया, सभी लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल होने लगे। और ये जो खबरें थी ये वायरल होने लगी, फेसबुक वगैरह के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में पहुंच जाती थी। वहां की सरकार ने भारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए वहां पे कर्फ्यू लगा दिया। आपातकाल लगाना ही एकमात्र उनके पास साधन बचा था, क्योंकि लोग जो थे वो मान नहीं रहे थे, विरोध प्रदर्शन को रोक नहीं रहे थे। तो बैन अली जो थे वहां के प्रेसिडेंट, उन्होंने अपने पद से अंत में जाके उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि बैन अली ने क्या करा था, पुलिस को तो कह दिया था उनको मारो पीटो और वो मार पीट भी रही थी। तो बैन अली ने सोचा कि क्यों ना मैं आर्मी का सहारा लूं। उन्होंने वहां की जो सेना थी, सेना को कहा कि भाई इन लोगों को मारना है और इनको इनके आंदोलन को खत्म करना है। पर सेना जो थी वो समझ चुकी थी कि अगर ये जो बातें हैं ये दुनिया में फैल रही है, अगर हम ऐसा नरसंहार कर देते हैं वो भी अपने ही देश के लोगों का, तो हमारे ऊपर जो मतलब आने वाले समय में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आर्मी ने इन्हें मना कर दिया कि भाई हम ये काम नहीं करेंगे, आर्मी भी इनके खिलाफ हो गई थी और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो बैन अली का भारी विरोध हो ही रहा था इनके प्रेसिडेंट का, सेना ने वहां पे साथ देने से मना कर ही दिया था, तो इस प्रकार से वहां पे शासन खत्म हुआ। अब आप देखो कि एक आम व्यक्ति के साथ जो गलत हुआ, उस गलत घटना के कारण क्या हुआ, उस अकेले व्यक्ति के लिए पूरा देश जो था सड़कों पे आ गया और उसी आंदोलन ने ट्यूनेशिया का जो 24 साल का जो शासन चला आ रहा था उसको समाप्त कर दिया, ठीक है। समझ गए आप क्या क्या हुआ यहाँ पे, और ये एक तरह से आंदोलन यहाँ पे तो सफल हो गया, लेकिन शुरुआत अभी आपकी अब होएगी। ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो समझ लो एक ट्रेलर था खाली, मूवी आपको आगे आने वाले पार्ट में पता लगेगी कि ये ट्यूनेशिया की जो आग थी ये कैसे अफ्रीकी देशों में, एशियाई देशों में या फिर उधर
अरेबियन जो देश थे वहां कैसे पहुंच गई और क्या क्या हुआ, किन किन देशों में हुआ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आने वाले टाइम पे आपको बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाली है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके अपने व्यूज जरूर दें। और एक चीज ध्यान दें कि आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं मैं, अगले जो पार्ट टू आएगा उस पार्ट टू में मैं इसका जवाब आपको दे दूंगा, बट आप कोशिश करो कि आप इसका जवाब मुझे दो। ट्यूनेशिया के आम नागरिकों का जो आंदोलन था वो किस चीज को लेकर था? क्या केवल वो जो व्यक्ति मरा था जिसने आत्मदाह किया था केवल उसको लेकर था, या फिर कुछ और उसके पीछे कारण थे? तो वो कारण जो थे, कम से कम 5 कारण आप आराम से बता सकते हो। तो क्या आप मुझे वो 5ों कारण कमेंट में बताएंगे? और वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं, क्योंकि भाई मैं आपके लिए नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ आपके नए टॉपिक को लेकर। तो जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा, जितना जबरदस्त आप रिस्पॉन्स देंगे, उतनी ही मेहनत के साथ, उतनी ही एनर्जी के साथ मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट, बेहतर से बेहतर तरीके से आपको ला कर दूंगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और प्लीज आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करा करो वीडियो का, क्योंकि जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट नोट्स के लिंक भी डाल दिया करेंगे। अभी फिलहाल टाइम नहीं मिल रहा, बट आने वाले टाइम पे जरूर डाल देंगे।